सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार करूंगी और अभी इस फिल्म का नाम है फिदा। तो ये अभी अभी मतलब ये ख़त्म ही होने वाला है, आज लास्ट डे हमारे शूटिंग का और बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, फाइनली मैं जिस चीज़ के लिए एक्साइटेड थी वो आज होने जा रहा है। तो पूरी जर्नी में कितने लोग आपके फिदा हो गए? ये तो भाई मैं तो आम जो आम सी लड़कियाँ होती हैं उन पे सब लोग फिदा हो जाते हैं। मैं तो थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी अच्छी हूँ तो जाहिर सी बात है सभी मिलके जितने हमारी यूनिट वाले हैं सब मुझ पर फिदा हो चुके हैं और मेरे दर्शक भी।
देखिए ये जो मेरा किरदार है ना, ये किरदार ये चुलबुला है, हंसता खेलता कूदता, किसी की बातें ना मानने वाला, ज्यादा नहीं बताऊंगी, देखने के बाद ही पता चलेगा ये आप लोगों को। एक लव ट्रायंगल चिंटू सर के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मज़ा आया। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारी चीज़ें बताई मुझे कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करो आप, तो काफ़ी कोऑपरेटिव है, अच्छा लगा काम करके और चाहूँगी कि आगे भी उनके साथ मैं काम करूँ। ये एक्चुअल में फिल्म में किरदार है जो कि चुलबुली होती है, किसी से डरती नहीं है, मैं वो रियल में हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा होता है एक इंसान के अंदर कि हाँ मैं जा रही हूँ, करूँगी, कैसा करूँगी, अच्छा कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन वो चिंटू सर इतने अच्छे हैं, काफ़ी फ्रेंडली हैं वो, मतलब बॉन्डिंग अच्छी हो गई तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मैं किसी बड़े स्टार के साथ काम कर रही हूँ, फैमिली जैसा महसूस हुआ तो अच्छे से निकल गया सारा। इस फिल्म में आपका किरदार जो है ग्लैमरस है? हाँ। फिर वो साड़ी का? नहीं नहीं नहीं, पूरा ग्लैमरस है क्योंकि वो अमेरिका से आई हुई है, तो उसका समझ सकते हैं आप लोग। शहर की फिल्म पूरी आएगी? हाँ हाँ, शहर की पूरी और गाँव से भी, बातें करने में, रिस्पेक्ट इज्जत देने में, सारी चीजें हैं। फुल रोमांटिक सॉन्ग है, तड़कता भड़कता। अच्छा चिंटू जी के साथ आपने एक दो बार रिहर्सल की है, कुछ वर्कशॉप किया इस गाने के लिए? अभी किया नहीं है, आ रहे हैं तो अभी ये जो सीन शूट हो रहे हैं इसके बीच में हमें जो गैप मिलेगा तो हम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो कोरियोग्राफर थे, जो डांस मास्टर थे, वो फ्री नहीं थे और टाइम नहीं था किसी के पास, तो सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ रही है। देखिए अभी तो फिलहाल मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ ये दर्शकों के ऊपर है, वो लोग मुझे कितना पसंद करते हैं, कितना प्यार देते हैं, जितना वो लोग प्यार देंगे आगे भगवान की दया से, लोगों की दया से और भी आगे करती जाऊंगी, मिलूंगी, अभी तो कुछ नहीं बोलूंगी, कोई भी कमिटमेंट नहीं करूंगी, चल रही है बातें, चल रही है, वो फाइनल होने के बाद ही बताऊंगी। भोजपुरी के अंदर ना फिल्म के अलावा सॉन्ग भी बहुत हिट होते हैं, बहुत पॉपुलर होते हैं, लोग पसंद करते हैं, तो कोई सॉन्ग ऐसा बताना? सॉन्ग का तो खैर अभी फिल्म में ही होगा जो देखने को मिलेगा आप लोगों को, फिलहाल अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म में कुछ ऐसा सीन जो यादगार रहा? काफ़ी सारी चीज़ें, एनसीसी में एनसीसी का कॉस्ट्यूम पहन के परेड करना, सारी चीज़ें, और खाने और डिनर पे जाना और डिनर मिस हो जाना, दवावा मिला के जो मेरा जो मेरे अपोजिट कर रहे हैं उनके साथ कि लाइक कुछ मिला दिया, पेट ख़राब हो गया, वो डिनर पे मेरे साथ ना बैठ पाए, तो उनके साथ वो सारी चीज़ें तो फनी थी, वो सारी चीज़ें तो वो है, और सेट पे तो खाली मस्तियाँ तो चलती रहती हैं। ओके थैंक यू, नमस्ते। लंबे अंतराल के बाद ये फिदा फिल्म की आपकी शूटिंग लगभग कंप्लीट होने आ गई है, पहले इसके बारे में पूरी इस फिदा फिल्म की जर्नी कैसी लगी? जर्नी तो देखो सही बताऊँ, मैं हर पिक्चर को एंजॉय करता हूँ, आज मेरी ऊपर वाले की 30 पिक्चर हो गई है अजय डायरेक्टर, सब वही जो जर्नी मेरी थी पहली पिक्चर से लेके अभी तक की, सेम आई एम एंजॉइंग द मूवी, जो बनाने में इसके लिए हूँ अभी तक इस इंडस्ट्री में, और इसके बाद जब भाई आए हमको बोले पिक्चर बना दो, रिश्तों का बंटवारा बना दी, अब ये फिदा बना दी। जी सर, लगभग ये फिल्म कंप्लीट होने आई, आप अपना अनुभव बताइए, केडी सर के साथ, एक्ट्रेस की, एक्टर के साथ, एक्ट्रेस के साथ? यार एवरीबॉडी विद एवरीबॉडी बहुत ही अच्छा है, एकदम स्मूथ चला, हमारा वहाँ का शेड्यूल भी था जो बनारस में, वो भी काफ़ी स्मूथ हो गया भगवान की दया से, वेदर ने भी हमारा बहुत साथ दिया, जो हमें डर था कि बहुत ठंड पड़ेगी, फॉग होगा, सब कुछ नहीं हुआ, एकदम टाइम टू टाइम शेड्यूल में ख़त्म हो गया, एक गाना और कुछ सीन बाकी हमने जानबूझ के रखे कि भाई चलो बॉम्बे जाके करेंगे कुछ डिफरेंट, तो वो आज कर रहे, बाकी चिंटू जी वेरी कोऑपरेटिव, और जो हमारा रोल है फिल्म में उसमें वो एकदम फिट है, दोनों हीरोइन भी बहुत बढ़िया है, सुशील जी का रोल भी बहुत ज़बरदस्त है, और केडी सर से तो ऐसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तभी तो रिपीट किया है सेकंड पिक्चर में। तो सर आपने जो लोकेशन चूज किया था वो बनारस था, और बनारस धार्मिक नगरी कही जाती है, और वहाँ आपकी लव स्टोरी चल रही है, ट्रायंगल ऐसा लग रहा है, ट्रायंगल लव स्टोरी की दो हीरोइन है, एक हीरो है, तो वहाँ ट्रायंगल लव स्टोरी होगी या धार्मिक प्लस लव स्टोरी होगी? धार्मिक से कोई कनेक्टेड नहीं है। आई लव बनारस। बनारस में वाराणसी में मेरी पहली पिक्चर की जो भोजपुरी की थी मैंने निरहुआ रिक्शा वाला, और वहीं पे शूट की थी, और मैंने 5 पिक्चर ऑलरेडी वहाँ शूट करी है, 6ठी पिक्चर थी मेरी। तो मैं बनारस का मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत मेरी सब पिक्चरें करता हूँ वहाँ पे, आदमी बहुत कॉपरेटिव, और बीइंग अ डायरेक्टर इतनी पिक्चर वहाँ पे मैंने कर रखी है, तो वहाँ पे कॉपरेशन बहुत अच्छा मिलता है, इसके लिए आई लव बनारस। कोई धार्मिक का कोई सबसे ज़्यादा नहीं, यू कैन कॉल इट अ लवर लव ट्राइंगल, बट इट्स समथिंग डिफरेंट इन लव ट्राइंगल। इट्स नॉट दैट कि भैया दोनों प्यार कर रहे हैं एक लड़के से और ट्राइंगल बन गया है, ऐसा करके कुछ नहीं है। इट्स अ डिफरेंट, बिकॉज अभी मैं रिवील नहीं करना चाहता था, इट्स नॉट अ लव ट्राइंगल, इट्स अ लव ट्राइंगल विथ डिफरेंट एंगल। आई वी वॉन्ट माई प्रोजेक्ट मैंने तो जैसे आज तक मैंने जो भी पिक्चर बनाई है थिएटर और डिजिटल दोनों में मेरी पिक्चर रिलीज हुई। अभी रिश्तों का बंटवारा हमने बनाई थी, वो भी हमने थिएटर में रिलीज़ करी थी, और ये पिक्चर जो कर रहा है वो भी थिएटर का रिलीज़ होगी और डिजिटल में 100% डिजिटल। अभी बहुत तरक्की कर रहा है, काफ़ी अच्छे उसके बाहर जा रहे हैं, मार्केट काफ़ी वाज खुल गया है, लेकिन जो मज़ा थिएटर में है, अब थिएटर हमारा भोजपुरी का मार खाया हुआ इसके लिए है कि सिनेमा ही बंद हो गए, सिनेमा बंद हो गए, और ऊपर से क्या हो रहा है कि जिस हिसाब से हमारी सिनेमा को मेंटेन करके रखना चाहिए, आज सबके सब मल्टीप्लेक्स में जाके क्यों देखते हैं पिक्चर, एक अच्छा फील आता है देखते हुए, एंजॉय करते हुए, अच्छे साउंड सिस्टम, अच्छी क्वालिटी ऑफ पिक्चर, वो थोड़ा सा हम डाउन हो जाते हैं उसके लिए। अगर वो थिएटर इम्प्रूव हों तो पब्लिक आएगी, 100% आएगी। और चीज़ क्या है कि आजकल से हमारा डिजिटल मार्केट विद इन 1 month आपकी पिक्चर डिजिटल में भेज देता है, तो दे देता है, पब्लिक बोलती है भैया लेट्स वेट, 1 महीने के बाद तो आ ही जाएगी डिजिटल में, तो आराम से वेट करते हैं। चिंटू के साथ केडी जी का बॉन्डिंग कैसा बना इस पिक्चर? बहुत अच्छा बना। मैं और दो पिक्चर प्लान कर रहा हूँ उसके, इट्स नॉट दैट अच्छा है, खाली बस थोड़ा सा हमको और ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा उनको लेकर, जब वेन वी कास्ट चिंटू तो वी हैव टू बी मोर ऑर्गेनाइज। चिंटू कितना फास्ट है? चिंटू इज़ वेरी फास्ट, बहुत फास्ट है वो, आता है तो फिर काम, मतलब जैसे मेरा अगर 10 घंटे का काम है तो 7-8 घंटे में करके ख़त्म हो जाता है मेरा। इज़ वेरी फास्ट एज एक्टिंग ऑल्सो, डांस ऑल्सो, हर एंगल से इज़ वेरी गुड। हर हीरो की एक अलग फैन फॉलोइंग है, प्रदीप पांडे चिंटू को बनारस में शूट किए हैं, कुछ फैन फॉलोइंग पर बताएंगे कैसा माहौल था शूट पे? अच्छा अच्छा बहुत माहौल, बिकॉज देखो क्या थोड़ा सा केडी नाम है मेरा और थोड़ा सा 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो समझ जाते हैं, वो बोलते हैं भैया पुराने चावल हैं, इनके साथ कुछ नहीं, बराबर से प्रॉपर ये समझाते हैं। कभी कभार देखो गिव एंड टेक हर हीरो के साथ, हर डायरेक्टर के साथ होता है, लेकिन चीज़ क्या है, व्हेन यू कन्विंस करेंगे उनको प्रॉपरली एंड ही गेट इट थ्रू कि हाँ बराबर कन्विंस किया, व्हाट ही सेइंग इज राइट, तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कन्विंस नहीं कर पाए, तुम क्या करने जा रहे हो तुमको खुद को पता नहीं है, तो अगला तो और कन्फ्यूज रहेगा, उसके लिए आपको डायरेक्टर को ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा ना उसको समझाने के लिए, दैट इज़ अ मस्ट। बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं, ये मैं सबसे बातचीत कर चुका हूँ इस मामले में, मैंने बोला भी है कि सर आज मराठी स्टेट, आपके तो यूपी और बिहार 2 स्टेट हैं और वो तो मराठी 1 स्टेट है, तो भी आज हर मल्टीप्लेक्स में पिक्चर लगना, 1 show 1 show मिलता ही है उनको, कंपलसरी देते हैं, वैसा अगर हमारा भोजपुरी के लिए हो जाए ना तो सोने पे सुहागा हो जाए। मैंने बातचीत करी है, मैंने बोला है कि भैया इस तरीके का कुछ रखिए, एफर्ट आप डालिए, आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि 3-3 MP हैं, अब हमारे 3-3 MP बैठे, और अभी सुनने में आया है कि हमारे पवन सिंह जी भी बिहार से कुछ चल रहा है,
खेसारी जी का भी कुछ चल रहा है, जब इतने सारे हमारे आ जाएंगे तो भैया एफर्ट करके यूपी और बिहार को उठाइए ना। और क्या हो कि मैं कपूर हूँ, आई एम नॉट अ पंजाब भोजपुरी, लेकिन चीज़ क्या, मैं आज मेरी ये 18वीं 20वीं पिक्चर है भोजपुरी, मैं जुड़ा हुआ हूँ इसके साथ, तो इसके लिए सबको एफर्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। और 3 MP को तो हमारे बहुत, मैंने कहा दिनेश जी से मेरी बातचीत भी हुई, उन्होंने बोला सर वेट करिए हम ये पूछेंगे कि एक तो बिहार में सब्सिडी चालू होने का सिलसिला शुरू हो गया है, अब खाली थिएटर में मल्टीप्लेक्स में एक शो और मिल जाए ना तो भोजपुरी विल बी बूम। सर आज के बारे में जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पे शूट हो रहा है, कौन कौन से कलाकार शूट करेंगे और क्या शूट होने वाला, जरा उसका। देखो आज हम एक गाना शूट कर रहे हैं जो हमारा रामदेवन कर रहे हैं डांस मास्टर, और 2 सीन मेरे बच्चे थे वो 2 सीन हम लोग कर रहे हैं और गाना कर रहे हैं, और इसमें हमारे चिंटू जी हैं जैसे एज ए हीरो, फिर संयुक्ता यादव है वन ऑफ द हीरोइन, फिर एक आरोही हैं सुशील सिंह है, राजवीर सिंह राजपूत है, ये सब हमारे आर्टिस्ट हैं जो हमारे आज इन्वॉल्व हो रहे हैं शूट के अंदर। सर इसमें एक न्यूज़ भी आई थी कि शायद ये डबिंग आप लोगों ने शुरू भी कर ली थी, तो कितने % डबिंग कम्प्लीट हो गई है और तब तक थिएटर डबिंग मेरी कंप्लीट, खाली सुशील जी और इनका बाकी है, चिंटू की बाकी है, बाकी सब की डबिंग हो गई है, मेरा DI पिक्चर हो गया है, मेरी बैकग्राउंड म्यूजिक इंटरवल तक हो गया, बाय तो 15-20 दिन में मैं कॉपी निकाल लूँगा पिक्चर की। दर्शक फर्स्ट लुक कब देखेंगे? फर्स्ट लुक तो मैं डाल दूंगा अभी, नेक्स्ट वीक के अंदर फर्स्ट लुक आ जाएगा, पोस्टर का फर्स्ट लुक एक मोशन पोस्टर है वो है, वो नेक्स्ट वीक के अंदर वो आ जाएगा। रिलीज हमारा 5 अप्रैल के बीच में है, प्लानिंग वी आर ट्राइंग फॉर मार्च, उसका एक 10-15 दिन ऊपर, बिकॉज थिएटर मिलना अच्छा है, बिकॉज होली जो आ रही है, होली में बूम होने वाला है, बहुत सारी भोजपुरी पिक्चर आएगी, तो एक ट्रिप अच्छी डेट देख कर हम रिलीज करना चाहते हैं। नहीं इसमें होली सॉन्ग नहीं है, होली ऐसा कुछ। अरे सुशील जी के क्या बॉन्डिंग बताओ, मैं तो नहीं रहा, वो रिक्शा वाले थे मेरे साथ जुड़े हैं वेटरन, और उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी मुन्ना बजरंगी, वो मैंने डायरेक्ट की थी, मेरा बहुत अच्छा और बहुत प्यारा रिलेशनशिप है उनके साथ, और अभी से नहीं लॉन्ग टाइम बैक, उसको मेरे ख्याल से आज 15-18 साल हो गए उनके साथ काम करते हुए। जरा जी एज ए प्रोड्यूसर आपको भोजपुरी सिनेमा को कैसा लगा, कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ डेफिनेटली, काफ़ी लोग सवाल करते हैं गुजराती होकर भोजपुरी बना रहा है, बट एज ए गुजराती वी सी द इकोनॉमिक्स यहाँ सही बैठती है, रिस्क फैक्टर कम है और जल्दी बन जाती है पिक्चर, 20-22-25 दिन में अच्छी पिक्चर की अच्छा प्रॉपर शूट हो जाता है, तो इकोनॉमिकली इट इज़ वायबल, सो क्वाइट हैप्पी। 2 पिक्चर बना चुके और बाकी की प्लान है। और कौन कौन सी फिल्म आपने बनाई है? इसके पहले रिश्तों का बंटवारा बन गई दिनेश जी के साथ, अब ये सेकंड फिदा, एंड वी आर प्लानिंग 2 मोर मूवीज, 1 विद चिंटू जी। दोनों हीरो साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत ही बढ़िया, दिनेश जी तो आउटस्टैंडिंग है, चिंटू जी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, इज ऑल्सो वेरी गुड ऑन सेट, ऑलवेज जोकिंग है वो, फटाफट काम हो जाता है। जो नए निर्माता भोजपुरी इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो बिजनेस अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक यू हैव टू बी वेरी मच ऑर्गेनाइज, जैसे KD जी है इनका प्लानिंग इज मच मच बेटर, तो अगर प्लानिंग सही है और आपका बजट सही बजट में पिक्चर बन जाती है तो डेफिनेटली इट्स अ गुड प्रपोजल। खाली ऑर्गेनाइज हो जाए, प्रॉपर ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है, हो जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम, लोग 40-50 दिन में फिल्म बनाएंगे तो कोई घाटा होना जरूरी है, कंपलसरी है, मतलब वो प्लानिंग और बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भोजपुरी सिनेमा में देखा जाए तो आजकल एल्बम पे ज्यादा हावी हो गया सिनेमा पे, इस पे आप क्या सोचे? अभी वो पूरा 2 डिफरेंट पहलू है, मूवी इज डिफरेंट, एल्बम इज डिफरेंट, एल्बम में लोगों को फ्री में जो देखने मिलता है तो वो काफी बढ़ गया है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट अबाउट इट, और 2G फ्री है भाई, मुकेश भाई ने दे दिया है तो एवरीबडी इज वॉचिंग, और उसकी वजह से इंडस्ट्री बहुत बढ़ गई है। इस बार क्या सरप्राइज है, नया हीरो किसको लेने वाले हैं बताएं? नहीं अभी तक तो नहीं, प्लानिंग चल रहा है, स्टोरी बोरी का काम चल रहा है। सर मेरा इस पर एक सवाल है, भले हीरो के लेके नहीं हूँ, आप गुजरात के हैं, अब गुजरात की एक हीरोइन बहुत पॉपुलर है काजल राघवानी, कभी ऐसे दिल में नहीं आया कि काजल राघवानी को लेके कोई चीज? काजल राघवानी तो भोजपुरी में है, गुजराती में कब आई हो? नहीं गुजरात की है, भोजपुरी में बहुत पॉपुलर, आप भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, फिल्म में आया कि नहीं? ऐसा तो अभी तक तो नहीं आया, ऐसा कोई रोल होगा तो सोचेंगे, अभी तो इसके इसमें रोल अच्छा था, आरोही के लिए अच्छा रोल था, संयोगिता के लिए जो रोल के हिसाब से फिट होना चाहिए फेस, काजल तो काफ़ी साल से है। वो क्या सोचेंगे, मैं तो जबरदस्ती ले लूँगा,
वो बोलेंगे मेरे को डायरेक्टर मेरे लायक हो तो मैं कर लूंगा ही क्या, मैं सर ये काम बोलेंगे मैं कर रहा हूँ। थैंक यू सर, ओके थैंक यू।